स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BA प्रोग्राम, और BA प्रोग्राम में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस। यूनिट हमारी है फोर्थ, और फोर्थ यूनिट में आपको तीन चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है। पहला चैप्टर जो है वो हम करा चुके हैं, जाति वाला। आज हम वर्ग वाला चैप्टर करेंगे, यानी कि सेकेंड चैप्टर। और ये चैप्टर बड़ा है तो इसीलिए इसको हम पार्ट में करेंगे। तो आज जो आप देख रहे हो ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है, यानी कि भारत में शक्ति संरचना वर्ग के संदर्भ में इसका फर्स्ट वीडियो है। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए, आपके सामने यूनिट रख दिए, फोर्थ यूनिट में आपके तीन चैप्टर दिए हुए। पहला चैप्टर हमने करा दिया है तो इसको हम इसे कट कर देते हैं। आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, आज हम आपको दूसरा चैप्टर करा रहे हैं और इसका ये पार्ट वन है। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि भारतीय समाज जो था, ठीक है, प्राचीन समय से ही हम देखें, हमेशा से सदैव उसमें काफी ज्यादा आपको विभिन्नता देखने को मिलेगी। हमारे समाज में जाति प्रथा भी रही है, हमारे समाज में वर्ग व्यवस्था भी है, और हमारे समाज में पितृसत्तात्मक समाज भी है। तो जाति प्रथा वाला जो पूरा टॉपिक है हमने इससे पहले वाले चैप्टर में कर लिया। आज के इस वीडियो में हम वर्ग करेंगे और अगले चैप्टर में हम पितृसत्तात्मक का जो है वो करेंगे। तो देखते हैं टॉपिक को। संपूर्ण संसार में मानव इतिहास के हर चरण में समाज जो है अलग अलग वर्गों में विभाजित रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ग की। तो देखिए, समाज जो होता है हमेशा वर्ग में बटा होता है। आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां पे क्लास लिखा होता है, समाज जो होता है अलग अलग क्लास में बटा होता है, ठीक है। समाज में देखिए, एक ऐसा वर्ग भी होता है जिसके पास सारे संसाधन आसानी से मिल जाते हैं, जो अमीर वर्ग होता है। एक ऐसा वर्ग भी होता है जिसको दो वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, और हर रोज संघर्ष करना पड़ता है कि उसे दो वक्त की रोटी मिल जाए। अपनी जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं उसको भी पूरा करने में वो असक्षम होता है, या फिर आपको बहुत कठिनाइयों से ही वो अपने बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पाता है। एक ऐसा समाज भी होता है। एक ऐसा समाज भी होता है जो मध्यम वर्ग होता है, यानी कि जो ना तो बहुत ज्यादा अमीर वाली कैटेगरी में है और ना ही बहुत ज्यादा गरीब वाली कैटेगरी में है। तो ये जो वर्ग व्यवस्था आप देखते हो ना समाज में, ये केवल भारतीय समाज में नहीं है बल्कि संपूर्ण विश्व में, दुनिया में कोई भी ऐसा समाज नहीं मिलेगा आपको जहाँ पे वर्ग ना हो, क्लास ना हो। अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग, व्यवसायिक वर्ग, किसी भी वर्ग को आप देखोगे हर वर्ग के लोग हर समाज में मिलते हैं। यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। अभी तक कोई ऐसा समाज नहीं मिला है जो वर्ग विहीन हो, यानी जहाँ पे कोई वर्ग वाली व्यवस्था ना हो, ऐसा कोई समाज आज तक नहीं मिला है। ये समाज आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक थे, और हर अगर आप देखोगे सांस्कृतिक रूप से या आर्थिक रूप से, तो ये समाज जो होते हैं इनमें विभिन्नता भी हमको देखने को मिलती है। यानी कि प्रत्येक समाज अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं होती है सबकी, और उसमें कुछ विभिन्नताएं भी होती है, कुछ वैरायटी भी होती है। विभिन्न वर्गों के बीच हमेशा से संघर्ष की स्थिति रही है। देखिए, संघर्ष का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने मार्क्सवादी व्यवस्था पढ़ा है। मार्क्सवादी व्यवस्था में क्या कहते हैं, मार्क्स कहते हैं कि समाज जो है वो दो वर्गों में विभाजित है। एक वर्ग वो है जिसे हम अमीर वर्ग कहेंगे, एक वर्ग वो है जिसे हम गरीब कहेंगे। इन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष रहता है। मार्क्स ने क्या कहा था कि जो अमीर वर्ग होता है वो हमेशा गरीब वर्ग का क्या करता है, शोषण करता है। यानी कि समाज में एक वर्ग ऐसा है जो बहुत अच्छी स्थिति में है, तो दूसरा वर्ग ऐसा है जो बहुत बुरी स्थिति में है। तो यही संघर्ष इनके बीच में चला रहता है, यानी कि अलग अलग वर्गों के बीच में एक संघर्ष चलता है, ऐसा कहा जाता है। समाजशास्त्र विषय में वर्ग का अंतर को सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में पढ़ा जाता है। अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ी हो, आपके पास किसी के पास क्लास 12th में सोशियोलॉजी रही हो, तो आपने देखा होगा वहां पे जब हम सामाजिक वर्ग की बात करते हैं, जाति प्रथा पढ़ते हैं, तो जब वर्ग की बात करते हैं तो वहां पे सामाजिक स्तरीकरण शब्द आता है। यानी सोशियोलॉजी में इसको हम सामाजिक स्तरीकरण के रूप में पढ़ते हैं, समझते हैं। अगर यहीं पर हम बात करें राजनीतिक दर्शन की, तो इसमें सबसे बुनियादी वर्ग का अंतर जो है वो है शक्तिशाली और शक्तिहीन। देखिए, राजनीतिक नजरिए से अगर हम इसको पढ़ते हैं तो समाज में देखिए वर्ग जो होते हैं, एक वर्ग ऐसा होता है जो बहुत ऊपर होता है, यानी जो बहुत शक्तिशाली वर्ग होता है। एक वर्ग ऐसा होता है जो बहुत नीचे होता है, यानी जो कि शक्तिहीन होगा, या फिर आप उसे कह सकते हो कमजोर वर्ग होगा। तो राजनीतिक नजरिए से हम इस तरीके से पढ़ते हैं, और अगर सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के नजरिए से पढ़ोगे तो आप स्तरों में पढ़ोगे उसे। विभिन्न विचारकों ने समाज में इन वर्गों को अपने अनुसार बताने का प्रयास किया है। अगर आप कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ोगे तो उन्होंने समाज के वर्गों के बारे में जो बताया है वो अलग विचारधारा है। अगर आप वॉर्नर के बारे में पढ़ोगे तो आपको अलग मिलेगा।
ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी के विचारों को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बेसिक समझ लेना है कि हर समाज में एक वर्ग होता है, और आप भी किसी ना किसी वर्ग से बिलोंग करते होंगे, मैं भी किसी ना किसी वर्ग से संबंधित हूँ, ठीक है। वर्गों को सरलता से समझने के लिए इसके आर्थिक पक्ष को देखा जाता है। देखिए सबसे मतलब ज्यादातर आप देखोगे ना, वर्ग को उसके आर्थिक पक्ष से ही देखा जाता है, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जहां समाज का स्तरीकरण अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे आर्थिक पक्ष को महत्वपूर्ण नजरिए से देखा जाएगा। एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि समाज जो होता है वो तीन वर्गों में विभाजित होता है। एक तो होता है उच्च वर्ग, उच्च वर्ग में मैं बता रहा हूँ ऊंचा वर्ग, जो जिसे जिसके पास राजनीतिक ताकत हो, या कोई बिजनेसमैन हो, बहुत पैसे हो, मतलब सब कुछ हो उसके पास, अपनी बेसिक नीड्स तो पूरा कर सकता ही है वो, इसके अलावा सत्ता भी है उसके पास, पावर भी है उसके पास, समाज में रुतबा भी है, यानी उच्च वर्ग हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे राजा हो गया, कोई बहुत अमीर बिजनेसमैन हो गया, या कोई शासक हो गया, ऐसे लोगों को हम उच्च वर्ग में रखते हैं। इसके बाद होता है मध्य वर्ग, और एक होता है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग आप समझ लीजिए, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग आप समझ लो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। उच्च वर्ग बहुत बेहतर है और निम्न वर्ग बहुत ही बुरे हालत में, और एक इन दोनों के बीच में है जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। ना ये ना तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है और ना ही बहुत ही दयनीय स्थिति में है, ठीक है। तो ये आपने आर्थिक आधार पे देख लिया, यानी कि देखिए अब मैं यहाँ पे आपको आर्थिक आधार पे समझाता हूँ। उच्च वर्ग यानी एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास इतना पैसा है कि उसकी आने वाली 10 पीढ़ियां अगर कुछ ना भी करें तो उस पैसे से अपना जीवन चला सकती है, यानी बेशुमार दौलत है उसके पास, बेइंतहा पैसा है। एक मध्य वर्ग है, वो बस इतना ही कमा पाता है कि अपनी रोजी रोटी चला ले और नॉर्मल सा बहुत छोटी सी सेविंग कर पाता है, ठीक है, मध्यम वर्ग हो जाएगा। एक ऐसा वर्ग है जिसे 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो ये अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, वर्ग ये है। तो उस विद्वान ने समाज को इतने वर्गों में विभाजित किया। अब अलग अलग विद्वानों के अगर आप विचारों को पढ़ेंगे तो सबने समाज को अलग अलग तरीके से बताया है। यहाँ पे मैंने आपको 3 वर्ग बता दिए, आगे कोई कोई दूसरा विद्वान आपको 2 वर्ग बता रहा होगा, फिर आगे आप पढ़ोगे कोई आपको 6 वर्ग बता रहा होगा, कोई विद्वान आपको 4 वर्ग बता रहा होगा। तो यहाँ पे यही होता है, ठीक है, ग्रेजुएशन में यही होता है, हमें सबके विचारों को पढ़ना होता है और सबके थॉट्स को जानना होता है। तो ये तो हो गया वर्ग सिंपल। अब बात कर लेते हैं वर्ग की, कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 डेफिनेशन रखी है। पहली है ऑन वर्ग और निमकॉफ के अनुसार, ये कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग की मौलिक विशेषता दूसरे सामाजिक वर्गों के सापेक्ष श्रेष्ठता और हीनता की सामाजिक स्थिति से जुड़ी हुई है। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में आपको समझना नहीं है कुछ भी, आपको पहले बता दूं, आपको परिभाषा में कुछ भी समझने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं आपको ऐसी मिलेंगी जिसके शब्द भी आपको समझ में नहीं आएंगे। बट आपको क्या करना होता है, पेपर में ये परिभाषाएं लिखनी होती है और इन्हीं के अनुसार लिखनी होती है, यानी आप याद कर सकते हैं तो 1 से 2 परिभाषाएं याद कर ले। अगला है गिसनबर्ग, और इन्होंने क्या कहा है, ये कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग समुदाय के किसी भी हिस्से को सामाजिक स्थिति से आराम से चिन्हित कर सकता है, यानी कि समुदाय का कोई भी हिस्सा हो, उसमें कोई भी विशेष सामाजिक वर्ग हो, उसको चिन्हित किया जा सकता है। यानी मान लो, मैं आप एक एग्जांपल देके बता देता हूँ, मान लो आप एक पॉश इलाके में जा रहे हो, पॉश इलाके में जाओगे आप, जितने भी लोग रह रहे होंगे वो सब क्या होंगे, बहुत ही अमीर होंगे। एक आप दूसरे इलाके में जाते हो जो बहुत ही मतलब स्लम एरिया है, उस स्लम में जाओगे तो वहां पे जो लोग मिलते रहेंगे वो गरीब कैटेगरी से होंगे, तो आप मतलब उनको चिन्हित कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से बताया हुआ है। गर्थ और मिल्स के अनुसार क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक ही स्थिति में पाए गए लोगों के समूह से वर्ग कहलाता है, यानी एक ही स्थिति में पाए गए लोगों का समूह जो होता है वो समूह वर्ग कहलाता है। ये इन्होंने डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन आपको 1 या 2 याद कर सकते हो तो याद कर लो, बेटर रहेगा। अब हम पढ़ेंगे वर्ग की प्रकृति, यानी कि इसका नेचर क्या होता है, वर्ग का क्लास का क्या नेचर होता है। तो देखिए किसी व्यक्ति का वर्ग काफी हद तक उसके व्यवसाय से जुड़ा होता है, उसकी संपत्ति से, उसकी योग्यता से, उसकी शिक्षा से, उसके घर की आय से, उसके परिवार की आय से, उसकी व्यक्तिगत आय से, उसके पास जो धन है उससे, या उसकी पारिवारिक जो फैमिली बैकग्राउंड होता है उससे, या उसकी सामाजिक स्थिति जो है, इन सब से जुड़ा होता है किसी व्यक्ति का वर्ग। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मान लीजिए आप भी किसी वर्ग से होंगे, तो
कैसे पता लगेगा आप कैसे वर्ग से हैं? तो आप इसमें ये देखा जाएगा कि भाई आप कितने पढ़े लिखे हो, यानी आपकी शिक्षा कितनी है, आप किस काम के योग्य हो, आपके पास संपत्ति कितनी है, आप कोई बिजनेस करते हो नहीं करते हो, आपके घर में मतलब अगर आप नहीं कमाते हो तो आपके जो परिवार वाले हैं वो कितना कमाते हैं। इस तरीके से एक मतलब वर्ग का पता लग जाता है। जब शादी ब्याह होती है, जब रिश्ता किया जाता है, तो लड़के वाले हों या लड़की वाले हों, दोनों ही उस परिवार के बारे में बहुत गहराई से जानकारी लेना चाहते हैं, जानकारी लेते हैं। इससे पता लगता है कि भाई उनका स्टेटस क्या है समाज में, उनका मतलब किस वर्ग से वो दिखते हैं, जुड़ते हैं। वर्ग को वंशानुगत संदर्भ में नहीं देखा जा देख देखा चाहता, यहाँ पे माफी चाहूंगा थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे नहीं देखा जाता आएगा, ठीक है? यानी कि जो वर्ग होता है उसको वंशानुगत संदर्भ में नहीं देखा जाता। अब मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों कहा है, देखिए इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि जो जाति पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर में, जाति को हम वंशानुगत नजरिए से देखते थे। आपको याद हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि देखिए मान लीजिए कोई कोई भी व्यक्ति है, अगर वो किसी एक्स नाम की जाति में पैदा हुआ है तो उसका जन्म लेने से ही उसकी जाति फिक्स हो गई है। ना तो वो अपने से ऊपर वाली जाति में जा पाएगा, ट्रांसफर नहीं हो सकता, ना ही वो अपने से नीचे वाली जाति में जा सकता है, यानी वंशानुगत होता था। लेकिन वर्ग में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए मेरे माता पिता गरीब हैं, मजदूर हैं, मजदूरी करके मुझे उन्होंने पाला है, तो अब मेरे सामने ये समस्या नहीं है। मैं चाहूँ तो अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत करके अपना जो मतलब जो स्टेटस है, जो मेरे माता पिता का स्टेटस रहा होगा, उस स्टेटस को मैं अपनी मेहनत से सुधार सकता हूँ। यानी कि मैं गरीब से धीरे 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 अमीर बन सकता हूँ। ये वर्ग वाला सिस्टम होता है, लेकिन जाति में ऐसा नहीं होता था। अगर आप निचली जाति में हो तो चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कुछ भी कर लो, आप नीची जाति के ही रहोगे। आप ऊंची जाति से हो, चाहे आप कितना भी बेकार काम कर लो, लेकिन आप ऊंची जाति से ही रहोगे। तो वंश वाला सिस्टम जाति में होता था, बट वर्ग में नहीं होता है। आई होप आपको इस उदाहरण से समझ में आ गया होगा। देखिए वर्ग जो है वो ज्यादा से ज्यादा सामाजिक गतिशीलता की अनुमति देता है। गतिशीलता की बात क्यों कर रहा हूँ मैं इसमें, क्यों? क्योंकि देखिए वर्ग में कोई मतलब बंधन वगैरह नहीं है, लेकिन जाति में बहुत सारे बंधन थे। आपको बताया था कि जो जिस जाति में पैदा हुआ है उसको उस जाति में, जो जैसे मान लो कोई लोहार के घर में पैदा हुआ है तो उसके माता पिता लोहे का काम करते हैं, तो उसके बच्चे को भी लोहे का काम ही करना पड़ेगा, ऐसा होता था जाति प्रथा में, ठीक है? तो समझ गए ना, मतलब समाज में गतिशीलता नहीं रहेगी कि मतलब लोहार लोहार लोहार, उसका बेटा लोहे का, लोहे का लोहे का काम करते रहेगा, उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा, मतलब चलता रहेगा और वो उनका काम एक ही रहेगा। इस तरीके से समाज बट गया था, तो गतिशीलता नहीं थी। लेकिन वर्ग में गतिशीलता होती है, यानी कि यहाँ पे लोहार का बेटा पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर भी बन सकता है, ठीक है? उसका बेटा इंजीनियर भी बन सकता है, उसका बेटा डॉक्टर भी बन सकता है। तो यानी समाज में गतिशीलता आ जाएगी, ठीक है? समाज रुकेगा नहीं जैसा जाति के सिस्टम में होता था। तो ये आपको समाज की गतिशीलता समझ में आ गई होगी, क्योंकि लोग जो जाति लोग क्योंकि इसमें लोग जाति की तरह बाध्य नहीं है, ठीक है? जाति में बाध्य होते थे, यानी मजबूर होते थे, जो जिस काम को करता है उस काम को करने के लिए मजबूर होते थे। लेकिन यहाँ पे वर्ग में ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती। आगे देखिए, क्योंकि यहाँ किसी व्यक्ति का व्यवसाय उसके जन्म पर आधारित नहीं होता, आपको बता दिया है, क्योंकि वर्ग प्रणाली दूसरे वर्गों के साथ सामूहिकरण करने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्थान की अनुमति देती है। अब इसमें क्या होता है भाई, देखिए मान लीजिए आप शहर में रहते हो, आप अपने पड़ोस में देखते हो भाई जितने भी लोग हैं सभी का जो रोजगार होगा वो लगभग लगभग अलग अलग होगा। कोई कुछ काम करता होगा, कोई कुछ काम करता होगा, कोई कुछ काम करता होगा, कोई कुछ अलग अलग काम करते होंगे। ऐसे में क्या होता है भाई, कोई किसी दूसरे काम में चला जाता है, वो उससे जुड़ जाता है, वो उससे जुड़ जाता है, यानी समाज में एक सामूहिकरण हो जाता है। पर जाति प्रथा वाली अगर आप सिस्टम में देखोगे, गाँव वगैरह में देखोगे, तो एक जाति के लोग एक ही काम में लगे रहते थे। जैसे मान लो कोई चमड़े का काम कर रहा है तो उस जाति के लोग चमड़े का ही काम करते थे। यानी यहाँ पे ये वाली व्यवस्था नहीं थी जो वर्ग वाली व्यवस्था है। अब देखिए वर्ग भेद समाज में मुख्यतः दो श्रेणियों में शामिल है। वर्ग में भी कुछ भेद होते हैं, वर्ग आपको बता दिया, पर वर्ग में भी कुछ भेदभाव होता है। वो भेद क्या होता है, एक वर्ग ऐसा होता है जिसको शक्तिशाली वर्ग कहा जाता है, तो दूसरा वर्ग ऐसा होता है जिसको शक्तिहीन वर्ग कहा जाता है। यानी एक ऐसा वर्ग जो बहुत अमीर है, बहुत ताकतवर है, और एक ऐसा वर्ग जो बहुत गरीब है, बहुत निसहाय है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे,
वर्ग को लेकर जो अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं उनके विचारों को पढ़ेंगे, जैसे कि मार्क्स के विचार, वेबर के विचार, वेबलन के विचार, वार्नर के विचार, इन सब ने वर्ग के बारे में कुछ अपने सिद्धांत दिए हैं, कुछ विचार दिए हैं। अब यहाँ पे आपको सबके विचार बिल्कुल अलग मिलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्ल मार्क्स जो थे, उनके उन्होंने जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने जो विचार दिया था वर्ग को देखते हुए, वो क्या है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग का विश्लेषण किया, वर्गों को देखा, समाज को समझा और कहा कि समाज में वर्गों की दो श्रेणियां हैं। देखिए, इन्होंने समाज को दो हिस्सों में बांटा है, लेकिन आगे जो विद्वान पढ़ेंगे उन्होंने अलग अलग हिस्सों में बांटा है। दो हिस्से कौन से? देखिए, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप अलग अलग किताबों में पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग नाम से मिलेगा। एक है पूंजीपति वर्ग और दूसरा है मजदूर यानी श्रमिक वर्ग, या फिर पूंजीपति वर्ग को बर्जुआ भी कह सकते हैं और श्रमिक को हम सर्वहारा भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम मालिक भी कह सकते हैं और इसको हम मजदूर भी कह सकते हैं, इसको हम अमीर भी कह सकते हैं इधर वाले वर्ग को, और इसको हम गरीब भी कह सकते हैं। तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, मार्क्स वाला जो है आपका बहुत ही आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि इन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया। अब इन दो हिस्सों में ये समाज को क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं कि समाज में एक ऐसा वर्ग है जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व है, यानी जो पूंजीपति है, जो फैक्ट्री वगैरह कारखानों वगैरह का मालिक है। ये वर्ग जो है ये शक्तिशाली है, यानी इसके पास ताकत है, पैसा है, रुतबा है, इस वर्ग के पास पूंजी बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग भी है जिसके पास उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व तक नहीं है, यानी जो बहुत दयनीय स्थिति में, ये जो है ये मजदूर का वर्ग है। ये अपनी बुनियादी जो बेसिक जरूरतें होती है, रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह, ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी संघर्ष करता है ये वर्ग। अमीर वर्ग द्वारा इसका शोषण किया जाता है। अमीर वर्ग जो है क्या करते हैं? शोषण करते हैं। किसका शोषण करते हैं? गरीब वर्ग का करते हैं। ठीक है, ये कहा है मार्क्स ने। मार्क्स के अनुसार मार्क्स क्या कहते हैं कि इन दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, और साम्यवादी घोषणा पत्र में मार्क्स ने दुनिया भर के मजदूरों को एकजुट होने की बात की है कि दुनिया भर के मजदूर एकजुट हो जाएं। अब यहाँ पे आप और ज्यादा डीप पढ़ते हो तो देखो मार्क्स ने क्या कहा था। मार्क्स ने ये कहा था समाज में दो वर्ग है, एक है अमीर वर्ग जिसे हम पूंजीपति कह सकते हैं, दूसरा है गरीब वर्ग जिसको हम श्रमिक कह सकते हैं। कहते हैं कि अमीर वर्ग जो होता है वो बहुत कम लोग होते हैं यानी मुट्ठी भर लोग होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लोग होते हैं यानी बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद भी इनमें एकता की कमी होती है, इनमें बेसिक मतलब जो जरूरतें होती है वो चीजें इनके पास नहीं होती हैं, और ये इतने कम लोग होके भी इनके पास संपत्ति बहुत ज्यादा होती है। और इन्होंने ये कहा है कि वर्ग सिद्धांत में बांटा है, और मार्क्स कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सारे गरीब लोग, सारे मजदूर लोग एक साथ हो जाएंगे, यानी एक तरफ हम अमीर लोग बात करते हैं, एक तरफ गरीब, यानी जिस दिन सारे गरीब लोग एक साथ होंगे और अमीर लोग थोड़े से बचेंगे, फिर ये गरीब लोग क्या करेंगे, इनको जाके मारेंगे, पीटेंगे, इन पे हमला करेंगे और इनकी संपत्ति वगैरह को छीन लेंगे, और उस दिन समाज में समानता आ जाएगी। ऐसा इनका सिद्धांत है। आगे मार्क्सवादी सिद्धांत पे आप पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पे आपको इतना सारा नहीं पढ़ना था, इतना सारा नहीं समझना था। ठीक है, बेसिक जो आपको बताया मैंने उतना ही आपको समझना है। दूसरा देखिए वेबर के विचार, यानी जो मैक्स वेबर हैं इनके क्या विचार हैं। तो कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग का विश्लेषण किया था और कहा था कि समाज जो है दो श्रेणियों में बटा हुआ है, लेकिन मैक्स वेबर जो थे ये एक जर्मन समाजशास्त्री थे, इन्होंने इसके मार्क्स से अलग विचार दे दिए। इन्होंने बोला दो समाज, दो वर्गों में नहीं बटा समाज। ठीक है, इन्होंने कुछ और थ्योरी दे दी। क्या कहा? देखिए, इन्होंने वर्ग के बारे में अपने विचार रखे जो कि मार्क्स के विचारों से अलग थे। इन्होंने कहा कि वर्ग जो है वो शक्ति संबंध के केवल एक आयाम का निर्माण करता है, यानी वर्ग जो है केवल शक्ति संबंध के आयाम को बनाता है। उसको हम मतलब इतने आर्थिक पक्ष में या इतने बड़े पक्ष में, हम अमीर गरीब के पक्ष में केवल नहीं देख सकते, इन्होंने और बड़े हिस्से में उसको बांटा है। वेबर जो है वो कहते हैं कि आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में वर्ग को समझते हैं, और उनके लिए वर्ग समूहों या समुदायों से अलग है। अब ये क्या कहते हैं वर्ग के बारे में, आप ये समझिए। ये कहते हैं वर्ग जो है दो श्रेणियों में नहीं बल्कि विविध श्रेणियों में है। विविध श्रेणी का मतलब है दो से ज्यादा, लेकिन मार्क्स क्या बोलते थे? दो श्रेणी में समाज बटा है,
एक अमीर और एक गरीब, पर ये कहते हैं एक से ज्यादा। इन्होंने मेनली चार वर्गों में समाज को बांटा है, ठीक है। जहां पे मार्क्स दो वर्ग में बांटते थे, वहीं पे वेबर जो है समाज को चार वर्ग में बांटते हैं। चार वर्ग इनके अनुसार कौन से हैं? एक है धनी वर्ग, जो बहुत पैसे वाला वर्ग है। दूसरा है बौद्धिक काम करने वाला या प्रशासनिक काम करने वाला, नौकरियों में लगा हुआ। तीसरा है कोई छोटा व्यवसाय, मतलब छोटा मोटा बिजनेस या कोई दुकानदार वगैरह। चौथा है मजदूर वर्ग। इस हिसाब से इन्होंने समाज को चार हिस्सों में बांट दिया। लेकिन मार्क्स ने कितने हिस्सों में बांटा था? दो हिस्सों में। वेबर कहते हैं कि वर्ग, ये जो वर्ग इन्होंने बांटे, इनकी तीन मुख्य विशेषताएं होती हैं। वो विशेषताएं क्या होती है? पहली विशेषता तो ये है कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ये कार्य करते हैं। मूलभूत जो भी बेसिक आवश्यकताएं होती हैं इंसान के लिए, उसके लिए संघर्ष करते हैं। दूसरा कहते हैं कि आर्थिक हितों के लिए काम करते हैं। तीसरा कहते हैं बाजार, व्यापार, श्रम वगैरह से संबंधित। ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा है हमारा वेलबर्न। वेलबर्न भी एक विद्वान थे। इन्होंने भी समाज को देखा और समाज के बारे में सामाजिक वर्ग के सिद्धांत को रखा सबके सामने। इनके विचार जो थे वो और अलग थे उन सबसे। वेबलन ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ द लीजर क्लास में वर्ग के बारे में लिखा है। इन्होंने क्या बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। ये बताते हैं कि समाज में एक वर्ग धनी वर्ग होता है। इस वर्ग में समाज के सबसे अमीर लोग शामिल होते हैं और इन लोगों का अन्य वर्ग के लोगों पर नियंत्रण होता है और ये धनी लोग अन्य लोगों का शोषण करते हैं। यहां तक तो आपको बिल्कुल मार्क्सवाद वाली बातें याद आ जा रही होंगी, ठीक है। लेकिन मार्क्सवाद में क्लियर दो वर्ग बता दिए थे, बट इन्होंने क्लियर दो वर्ग नहीं बताए। इन्होंने ये कहा कि जो अमीर वर्ग होता है उसके पास बहुत पैसा होता है और वो गरीब लोगों का शोषण करता है। आगे देखिए, इनके अनुसार धनी वर्ग केवल इसलिए आराम करता है क्योंकि उसके पास सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। अब मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, बेशुमार, तो आप क्यों काम करना चाहोगे? क्यों फालतू के काम में पड़ोगे? क्यों पैसा कमाना चाहोगे? बस घर पे मौज करोगे? यही कहने का मतलब है इनका, कि ये कहते हैं कि इन्होंने समाज में कोई बड़ी, मतलब अपनी भागीदारी नहीं निभाई है समाज के लिए। इन्होंने, इनके पास पहले से पैसा है और उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं ये। वेबलन ने कहा है कि धनी वर्ग ने सामाजिक उत्पादन के लिए कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है क्योंकि इस वर्ग के पास अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पहले से धन था, चाहे वो पारिवारिक हो चाहे जैसा भी हो, उसका इस्तेमाल करते हैं बस ये, और ये शोषण करते हैं गरीब लोगों का, ठीक है। अब आप बात करते हैं हमारे लास्ट यानी चौथे विद्वान का। इन्होंने सबसे ज्यादा कैटेगरी बना दी है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक कार्ल मार्क्स थे, वो दो वर्ग बता रहे थे। दूसरे जो थे वो चार वर्ग बता रहे थे। तीसरे ने कोई वर्ग का जिक्र नहीं करा, लेकिन इन्होंने क्या करा, छह वर्ग बता दिए समाज में। कह रहे हैं समाज में छह वर्ग है। अब इन्होंने क्या विचार दिए इसको भी समझिए। वार्नर ने, इनका नाम है लॉयड वार्नर, लॉयड वार्नर ने समाज में वर्ग के बारे में अपने विचार दिए। इनके अनुसार ऊपरी, मध्य और निचले जैसी श्रेणियां होती हैं, यानी ऊपर वाली श्रेणी, फिर उसके मध्यम, फिर उसके नीचे, फिर और नीचे, फिर इस तरीके से, और उनमें प्रत्येक के ऊपरी और निचले उपखंड होते हैं। अब आपको शायद ये समझने में दिक्कत आई हो, पर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए ये एक ही वर्ग है, इसमें ऊपर वाला वर्ग है और इसमें नीचे वाला वर्ग है। ये दोनों एक ही वर्ग है, इसमें ऊपर वाला वर्ग है, एक नीचे वाला वर्ग है। ये दोनों एक ही वर्ग है, इसमें ऊपर वाला वर्ग है और एक नीचे वाला वर्ग है, ठीक है। तो ये छह कैटेगरी मैंने आपके सामने लिख दी है, आप इसको एक बार देख लो पहले ध्यान से, उसके बाद इसको आगे करते हैं। इन्होंने कहा कि समाज जो है छह हिस्सों में बटा हुआ है। एक उच्च ऊपरी वर्ग है, एक निम्न उच्च वर्ग है, एक ऊपरी मध्यम वर्ग है, एक निम्न मध्यम वर्ग है, एक ऊपरी निचला वर्ग है और एक निम्न निचला वर्ग है, ठीक है, या फिर निम्न से भी निम्न वर्ग है। निम्न का मतलब निचला ही होता है। तो बिल्कुल अब आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, देखिए जैसे यहाँ पे हमने इसको छह हिस्सों में बांटा था ना, अब हम दो दो करके पढ़ेंगे। पहले ये दो पढ़ेंगे, फिर ये दो पढ़ेंगे और फिर ये दो पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए उच्च ऊपरी वर्ग जो होता है वो कौन सा वर्ग होता है? इसमें आता है कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग वो जिसके पास बहुत पैसा हो, बहुत संसाधन हो, बहुत शक्ति हो, जो मजबूत शासक वंश से हो या ऐसे परिवार से हो जो बहुत ही धनी परिवार हो, समाज में सत्ता में जिसका बहुत ज्यादा मतलब रुतबा हो, तो ये ऊपरी उच्च वर्ग हो गया सबसे ऊपर। इसके बाद होता है निम्न उच्च वर्ग यानी इससे नीचे। इसमें क्या होता है, वो ऐसा समाज होता है जिसने अभी अभी धन प्राप्त किया हो। मान लो समाज में ऐसे भी लोग होते हैं ना जो शुरू में गरीब होते हैं, बाद में धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं, तो जो धीरे धीरे मतलब धन प्राप्त कर लेते हैं उसको इन्होंने निम्न उच्च वर्ग में शामिल किया है। अब देखिए आगे,
ऊपरी मध्यम वर्ग, इसमें ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेसमैन घरों से होते हैं, यानी जो बिजनेस वाले घरों से होते हैं, व्यवसायिक घरों से, जो कोई बिजनेस कर रहे हो। और एक निम्न मध्यम वर्ग होता है, इसमें ऐसे लोग होते हैं जो बेसिक कोई नौकरी वगैरह कर रहे हो, या प्रशासनिक कोई नौकरी काम कर रहे हो, या कोई इनको स्किल आती हो, जैसे मान लो कोई चीज़ बनानी आती हो, घड़े वगैरह बनाना आता हो, या फिर कोई कोई भी चीज़ बनानी आती हो, स्किल वाला काम करते हो, ये निम्न मध्यम वर्ग में आ जाते हैं। और अब बात करेंगे सबसे नीचे, ऊपरी निचला वर्ग और सबसे निम्न वर्ग। ऊपरी निचला वर्ग में आते हैं मजदूर। मजदूर क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, और गरीब होते हैं बहुत ज्यादा। और निम्न निचले वर्ग में क्या आते हैं, ये अवसाद ग्रस्त, यानी मतलब ऐसे लोग जो अवसाद, यानी कि जो डिप्रेशन वगैरह में हो, जिनका जीवन जो है सम्मानजनक नहीं हो, ऐसे लोग आते हैं। तो ये देखिए, आपने इन्होंने 6 कैटेगरी बांट दी है, आपकी बुक में भी दे रखी है, बट आपको वहां पे हो सकता है समझ में ना आए, पर ये जो आप नोट्स स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें, बहुत शॉर्ट में बनाया मैंने, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, इसको लिख लें और इसको याद कर लें। तो ये था बच्चे हमारा पार्ट 1, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत आए, अगर आपको समझ में ना आए, जरा भी दिक्कत आए, तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, क्योंकि ग्रेजुएशन की पढ़ाई है और ये मुश्किल ही होती है। यहाँ पे CBSE जैसा नहीं है कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, कुछ चीजें थोड़ी देर से समझ में आती हैं, तो आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखो और समझो। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।